यकीन जाने आपा, मैं नहीं जानती उसे और वो मुझे भी नहीं जानता था। उसने पहले मुझसे पूछा कि तुम मोमिन की बहन हो, फिर वो भाई के खिलाफ जाने क्या क्या बोलता रहा। मुझे यकीन है ये हरकत आशी के मंगेतर फखर के सिवा किसी और की नहीं हो सकती। माँ, आप गौहर से हर बात क्यों शेयर करती हैं? बेटा, he cares about you. लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसकी केयर माँ। आपको अंदाजा भी है कि आपने कितनी बड़ी गलती की उससे ये बात शेयर करके? मैंने कोई गलती नहीं की। गौहर ने कहा था वो इस मामले को खुद हैंडल करने का, मुझे कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है। वो होता कौन है मेरे मामलात को हैंडल करने वाला? बेटा, वो तुम्हारा सबसे ज्यादा सिंसियर दोस्त है। माँ, ये बात आप समझ लें, गौहर की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं। जिस जिंदगी में चाहने वाले की अहमियत ना रहे, उस जिंदगी में आगे जाके रिग्रेट्स ही होंगे। क्या कर रही हैं खाला? मेरी बेटी को बचा दो, वो भेड़िया मेरी बेटी के काबिल नहीं है। सालू, जब तक जिद नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। वो जिद नहीं छोड़ेंगे। मैंने एक अरसा उनके साथ गुजारा है, वो जिद के बहुत पक्के हैं। मोमिन, की मर्जी के बगैर ये सब कैसे होगा खाला? कोई जरूरत नहीं है अम्मा, इस बेरहम से मेरी खुशी की भीख मांगने की। इज्जत से ले जाना चाहता हूँ आशी मैं तुम्हें। नहीं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा करें कि लोग मोहब्बत को गुनाह समझने लगे।